इतनी बातें, ऐसे सुंदर सुंदर लवाज, इतने उनके मुकुट ऐसे पहले होती है कि उनको देख लो तो फौरन गिर जाओ। जब यहाँ फंस जाते हो तो वो तो कुछ और बात है, तो आप एकदम मोहित हो जाओगे और नारद की तरह से चिल्लाओगे कि हम इसी के साथ विवाह करेंगे। आपको तो कुछ मालूम, इनसे सबसे बड़ा शक्ति लोग है, सब औरतें हैं। उसको क्रैश करना, पार करना साधक का कोई काम नहीं, साधक नहीं पार कर सकता। जब तक महापुरुष नहीं मिलेगा तब तक पार नहीं जाए, उसके ऊपर निर्भर भगवान। यही तो ना खुदा है, गॉड है, ये वहां बैठे हुए, इन्हीं की वो आज्ञा मान सकती है। और इन्हीं से तीनों बच्चों को पैदा किया, उनका अलग है, इनके ऊपर में आज्ञा मान सकती है दा। और ये कह रखा कि मेरा भेद न जानना, ये तुम्हें को जानते रहे, तो माता को जो जानते हैं पुरुष नहीं जानते, ये तीनों इनमें से एक भी नहीं जानता। पुरुष कहता है, माता को जरूर जानते हैं, तो उसी के निर्देश में चलते रहते हैं। साधक के लिए बिना गुरु के ये बड़ी मुश्किल है, जो उधर चला जाए ऐसी फुरना पैदा कर देंगे कि सौ बार तुम पुलटे खाओगे और गिर गिर जाओगे और तुम्हें होश नहीं रहेगा। ऐसा ये है, ऊपर में साधक का मन में ये बैठे, उसके ऊपर माया है, तो माया का जो देश है वो सैदल कमल से और ये स्वर्ग वैकुंठ से और ये मृतलोक से बहुत बड़ा। उनका वहां भी स्त्री स्त्री वो माया का देश है, ऊपर में वो आत्मत है पुरुष है, नीचे नारी है। अब इसकी रचना विलक्षण है, विलक्षण साफ, लेकिन ये यहाँ जो औरतें यहाँ स्त्रियां दिखाई देंगी वो अलग, वहां के अलग, लेकिन है सब स्त्री ऐसे सुंदर सुंदर चमकीले, चमक दमक के मतलब ये कि कितने इनमें रोशनी निकल रही है, वो उनमें से रोशनी निकलती है। तुम उसको देखते खड़े रहो, हजारों बर्तन जो ऐसे देखते रहो, कैसे जाओगे आप घर, कैसे पहुंचोगे बिना किसी मददगार के, यानी जो रास्ता नहीं जानता हो कैसे पहुंच जाओगे, जो जानने वाला उसकी मदद मिलेगी तब जा सकते हो। बड़ा बड़ा धोखा, बड़े ऋषि मुनि आपको नहीं मालूम है, सिंगी रेत में तपस्या की, उल्टे पेड़ पर टंगे रहते थे और हजारों बरस तक टंगे रहे और वायु का हार करते रहे, कुछ नहीं खाया, उनका शरीर जर्जर हो गया। मैंने उनको क्या चमका दिया कि जिस डाल पर ये थे उसी डाल पर तैर छिड़क दिया, तो जब इधर से झूला झूल रहे थे तो एक पत्ती में मारा तो उसमें मीठा बना गया, तो दो बार मारा, चार बार मारा, दस बार मारा, ऐसे बस मारा और उसको मतलब चाटने लगे, उसमें ताकत आ गई, ताकत आ गई। तो उन्होंने उस माया को देख करके कहा कि जल्दी रस्सी काटो, रस्सी काट दे, बस उतर आए नीचे। उसके साथ शादी कर ली, दो बच्चे हुए। ये माया का खेल है, आप नहीं जा सकते हो, वो पूरे गुरु की जरूरत है और कोई भी नहीं जा सकते। इसलिए सब उधर जाने से सब भड़का दिए गए, भगा दिए गए, भड़काने का मतलब भगाना, ऐसी आवाज लगाई कि डर के मारे तो जा नहीं सकते। ऐसा रास्ता है, उसने ऐसा जाल बिछाया, ऐसे थोड़ी गई जल्दी आप निकल जाओगे, वो तो महापुरुषों की कृपा से सरल होता है। ऐसे तो मैं खुल करके तुझे बताता हूँ, पहला बोलो। ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों पुत्र इन्हीं के हैं, यह चीज देखिए, इन्हीं के बेटे, इन्हीं के निरंजन भगवान के पुत्र ये। अब तुमने तो देखा नहीं है, महात्मा तो देखते हैं इसलिए बताते हैं, इनके बेटे हैं। और इन्होंने उनको नहीं देखा, अपने पिता को, माँ को तो देखा है, बस पिता से बच्चे थे।
उनको नहीं देखा और न ये देख सकते, देख ले एक बार भी झलक उसकी देखने से सब काम छोड़ देंगे। कोई ना गढ़ा बनाएगा, ना कोई गढ़ा की हिफाजत करेगा, ना पुड़ेगा, कोई नहीं काम करता, छोड़ देंगे। इसलिए उसने कहा कि इसको छुपा के रखो, हमारा भेद न जाने और ये काम करते रहे। काम दिया गया, बोलो कुल भाई राट रचाई न मिल के जीवन घेर लिया। सब बारात की रचना इन्होंने सब किए और जीवों को तार को घेर के रखा, कोई उधर जाने नहीं पाएगा। ऐसे उन्होंने जाल बिछाए, यानी कर्म कांड के, इसको करो इसको करो इसको करो, उसमें आप लगे और करते करते, अरे आपको तो मालूम नहीं है कि मतलब ये कि ब्रह्मा के कौन पुत्र थे, वो तो आपको पता नहीं। वो जो लिखते हैं उन्हें कुछ सही लिखते हैं। बोलो जाल बिछाया जग में भारी, इनकी पूजा जीव समारी। सब के सब जाल बिछिया और इन्होंने जो बताया वो पूजा कर लिया, घर का रास्ता पूछे, अनुसार तो जाना नहीं, बस ये पूजा इसमें करते रहो। और उन्होंने ये बता दिया है, अच्छा बुरा कर्म इसको करो और इसका फल लो, बस ये इसमें आपने इसको संभाला। अब इसका ज्ञान भी नहीं कि भाई अच्छा कौन है और इसका फल मिलेगा, न बुरा पता है कि भाई ये कर्म कौन था और इसका क्या फल मिलेगा। तो दोनों काम को भूल गए, फल को भूल गए और काम करने लगे, अब अच्छे को बुरा है बुरे को अच्छा, ये तुम्हारे समझ जाल बिछा दी। अब बुद्धि काम नहीं करती है और मन भागता पड़ता है, इंद्रिया में चलाए मन रहती है, चित्त चिंतन करता है, बुद्धि निश्चय करती है, जीव आत्म विचारी सुन रहे इतनी बदहोश है, उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। बोलो फंसे जाल में पचे कर्म में धोखा खाया पड़े। और ये कर्म जाल के कर रहे हो तो तुमको धोखा मिलेगा, मालिक तो मिलेगा, इनको भी नहीं पाओगे और मालिक तो बहुत दूर है, उसको तो कैसे पा सकते। वैसे जी भरम में फंस गए, अब किसी की बात ही नहीं सुनते, कोई महापुरुष आए बताए तो उसको छोड़ते रहे, जो उलझे हुए हो इसमें फंस गए भरम में, और तुमको अगर इससे निकलो तो कुछ बताए तुम्हें, अब कहते हैं हम तो यही करेंगे, तो बस अब धोखा खा गए और फिर चले गए जाल में। बोलो अब जो कोई इनको समझावे सत पुरुष का भेद, कोई भी आए, कोई फकीर आए, कोई महापुरुष महात्मा आए और इनको समझाए कि तुम्हारा घर इतनी दूर है और रास्ता तुम्हारे पास है और चलो हम तुमको उसका भेद बता के ले चले पहुंचाएंगे, तो उसकी बात नहीं मानते, कहते हम आज हम तो यही करेंगे। एक बनारस में मैं जब शुरू में सत्संग बनारस से किया, एक आदमी आया तो हमने पूछा वे क्या काम करते, करेंगे मुझे बताते कि बाबा जाए उनके पास दाने थे और बहुत तुम्हारे काम बन जाते हैं, हमारी तकलीफ चली जाएगी तुम्हें, यार काम क्या करते हो, कह रहे काम तो बहुत छोटा करते हो, क्या करते हो, कह रहे मछली को काट के बेचा करते हैं, तो तुमको क्या तकलीफ है, तुमने भाई तकलीफ का तो तुम काम करते हो, वो जीवों को काट करके जब रोजम जाते हो तो डरती है कि कह रहे तरपती तो है, तो तुम क्या समझते हो, गले हम कुछ नहीं समझते, हम काट देते हो बेच देते हो, तो मेरे जैसे तुम्हारे सामने जीव आत्म तड़पती है वैसे ही तुम तड़प रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर कौन दया करेगा, इधर तुम्हारे दया करेगा उधर काटोगे और ज्यादा, अच्छे हो जाओगे तो काटोगे, तो असल में उसी को समझता है कि हमारा पुण्य है, इंसान जो करता है उसी को समझता है पुण्य हम करते हैं अच्छा कर रहे हैं, और इसी को रोजी रोटी समझ लेता है कि हमारी रोजी रोटी ऐसी चीज है इसी से मिलेगी, और कर्म करता है तो उसे क्या मालूम चाहिए किसी को नहीं मालूम। ऐसे ही सब लोग अपने अपने धंधे में कटे हो, पशुओं मार रहे हैं, पंछियों को मार रहे हैं,
इन्हें अंधा था जो। अब जब ये कर्म कर रहे हैं, इसको कोई समझाए मेरी बात से कह तो करेंगे बात जाओ, ये शरीर तुमको कभी नहीं मिलेगा, निकलो और वो अनुभव पहले तुम्हें झगड़ा करते हैं कि हम वाटर मना करते हैं, चोरी करते थे,